43 ईयर, अगर मेरी गलती नहीं हो तो 43 ईयर इस सदन में लंबा समय बैठ करके इस सदन के साक्षी बनने का उनको सौभाग्य मिला था। और यही सदन है आदरणीय अध्यक्ष जी जहां शकीकुर रहमान जी 93 की एज में भी सदन में अपना योगदान देते रहे जबकि उनकी उम्र 93। और आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि 25 साल की उम्र की चंद्रमणि मुर्मू इस सदन की सदस्य बनी थी। सिर्फ 25 साल की उम्र की सबसे छोटी उम्र की सदस्य बनी थी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वाद विवाद कटाक्ष ये सब कुछ हम सब ने अनुभव किया है, हम सब ने इनिशिएट भी किया है, कोई बात नहीं रही है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद जो परिवार भाव हम लोगों के बीच में रहा है, हमारे पहले की पीढ़ियों में भी रहा है, जो लोग प्रचार माध्यमों से हमारे यहाँ का रूप देखते हैं और बाहर निकलते ही हमारा जो अपनापन होता है, परिवार भाव होता है, वो एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। और ये भी इस सदन की ताकत है, एक परिवार भाव। और उसके साथ साथ हम कभी कड़वाहट पाल करके नहीं जाते हैं, हम उसी प्यार से सदन छोड़ने के कई वर्षों के बाद भी मिल जाए तो भी उस प्यार को कभी भूलते नहीं है, उस स्नेह भरे याद दिनों को भूलते नहीं है, वो मैं अनुभव कर सकता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे पहले भी और वर्तमान भी हमने कई बार देखा है कि अनेक संकटों के बावजूद भी, अनेक असुविधाओं के बावजूद भी सांसद सदन में आए हैं और उन्होंने शारीरिक पीड़ा भी असह्य हो तो भी सदन में एक सांसद के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है। ऐसी अनेक घटनाएं आज हमारे सामने हैं। गंभीर बीमारियों के बावजूद भी कोई व्हीलचेयर में आना पड़ा, किसी को डॉक्टरों को बाहर खड़े रख करके अंदर आना पड़ता, लेकिन सभी सांसदों ने कभी न कभी इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई। कोरोना काल हमारे सामने उदाहरण है, हर परिवार में रहता था कहीं बाहर जाए तो मौत को बुलावा न दे दे, उसके बावजूद भी हमारे माननीय सांसद दोनों सदन में कोरोना काल के इस संकट की घड़ी में भी सदन में आए, अपना कर्तव्य निभाया। हमने राष्ट्र का काम रुकने नहीं दिया, आवश्यकता पड़ी डिस्टेंस रखना भी था और बार बार टेस्टिंग भी करना पड़ता था, सदन में आते थे लेकिन मास्क पहनना पड़ता था, बैठने की रचना भी अलग अलग की, समय भी बदले गए, हर चीज के साथ राष्ट्र का काम रुकना नहीं चाहिए इस भाव से सभी